हमारे गांव में एक बंदर पड़ा है भाई, बहुत तगड़ा बंदर। आ गया कि तू भाग गया नीचे को। अगी तू आ गई कि तू कटरा दिया बंदर। हो क्या हुआ? बंदर का एक नंबर, हमारे जीरो नंबर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज मैं बहुत एनर्जेटिक सुबह सुबह, क्योंकि मैं होगी तैयार खेत जाने के लिए। और ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है और थाटू भी मैंने लगा लिया है और मेरा पिंपल तो क्या ही कहने। चलते हैं अब खेत की तरफ। आज तोते जो है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बज रहे हैं। बस मुझे जूते पहनने, फिर मैंने पानी भी भरना है बॉटल में। पहले पानी भर लेते हैं। फिर से मैं बता दूं जिनको बावड़ी का मतलब नहीं पता है, कुछ ऐसी वाटर बॉडी होती है जिसमें नेचुरल पानी आता है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर होता है और मिनरल रिच होता है। और आज तो मेरे लिए सुबह सुबह गोबर भी भरा है। बोलते कि तू हमेशा खाली खाली जा रही है, आज गोबर लेके जा। ये देखो यहाँ पे, पहले आप देख लो लिली को। गुड मॉर्निंग लिली, आजा। अगर मैं इसको ऐसे हाथ रखती हूँ ना, अपनी नोजेस में लगाती है। चाटने को नहीं बोला था तेरे को, गंदी लिली, बाय। और सोनी भी वहाँ पे घास खा रही है। ओ अब चल पड़ते हैं खेत की तरफ। आज बड़े मम्मी गए हैं सुबह सुबह, तो बड़ी मम्मी को भेजूंगी घर और उसके बाद क्या आगे की मेरी ड्यूटी। ये आए मेरे बड़ी मम्मी, ये सुबह क्या है 5:30 बजे के। तो बड़ी मम्मी चल पड़े, किल्टा लेके जा रहे हैं। और आज तोते नहीं आ रहे बोले ज़्यादा, आज तो कोई तोते ही नहीं आ रहे, एक भी तोता नहीं आया अभी तक। सच में आज एक भी तोता नहीं आया अभी तक। और अब मैं जाऊंगी अपनी आंटी के घर आगे, वहाँ बैठती हूँ थोड़ी देर। अगर फिर भी तोते नहीं आए तो मैं घर चले जाऊँगी। ये देखो खेत में चूहे लग गए हैं इसके चक्कर में। अब वैसे तो ये पक्के तैयार ही हो रहे हैं, कुछ दिन और फिर ये थोड़े पीले हो जाएंगे, फिर इनको काट लेंगे। बारले को, जौ को, जो जौ आए अब तैयार हो रहे हैं, देखो थोड़े पीले पीले हो रहे हैं ना, जब थोड़े और पक जाएंगे फिर इनको काट लेंगे। पूरे खेत में आए, यहाँ आगे से पीछे तक। तो आज तो तोते आ ही नहीं रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। दिन के बज रहे हैं 11:30। मैं थोड़ी देर आंटी के घर पर बैठी, गप्पे गुप्पे मारी, अब चलते अपने घर। वहाँ पे मुझे थोड़े थोड़े काम है वो कर लेते हैं। अरे ये गप्पे मारने बैठी है यहाँ पे, ये देखो ये तो बुआ जी। क्यों गप्पे मारने नहीं बैठे यहाँ पे? बैठे है तो बैठे है। दिन को तो थोड़ा रेस्ट मिलता है, इन औरतों को बिचारियों को तभी बैठती है दिन को, अदरवाइज काम में होती है। हमारे गांव में एक बंदर पड़ा है भाई, बहुत तगड़ा बंदर, मतलब एक ही बंदर है, वो फैमिली के साथ नहीं रहता। वो होगा कोई बेचारा हमारी तरह सिंगल, तो वो क्या कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है। यहाँ पेड़ों के बीच में रहता है वो, यहाँ पे मटर लगाए हैं उनको खाने आता है, और बाकी जो भी फसलें लगाई उनको खाने आता है टाइम टू टाइम जब सारे लोग अंदर होते हैं। आज हम उसको क्या करेंगे भाई, उसका दिख भी नहीं रहा अब तो। अगी तू भाग गई तो कटरा दिया बंदर। अब क्या हुआ, क्यों भागी, कहाँ है तू, क्यों भागी फिर? गीतू देखो क्या लेके आई है बंदर को भगाने के लिए, आती भी तेरे को यूज करनी, गुले ले हमारे पहाड़ी में बोलते उसको, ग्लोल लगोल लगोल लगोल। चल जरा ढूंढेंगे, ले ही नहीं वीडियो। डेरिंग गीतू आगे आगे, इन पेड़ों के बीच में रहता है वो, और वो दिखता ही नहीं है दूर से, इतना घने जैसे पेड़ है। अब दिख गया ऊपर टहनी के ऊपर है। चल Yeah, we are following you. Guys, आप भी फॉलो करो। आज हम बंदर के रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। रेस्क्यू नहीं, उसको भगाना नहीं है, उसको भगाना है। यार वो कितने दिन से यहीं रह रहा है, हफ्ते भर से उन्हीं पेड़ों के बीच में। थोड़ा तो मूव करेगा ही वो, अगर ऐसा लगेगा कि आ रहा है कुछ। इस साइड को मार जरा एक। आ गया कि तू भाग गया नीचे को, नीचे उतरा, इसी पेड़ में था। चल डंडा ले साथ में। अब हम जा रहे हैं उसको ढूंढने, अब दिख गया है हमें थोड़ा, और वो भाग गया है वहां से, पर उतर गया वो इस पेड़ से। यार पार्थ वहां मारो। यहाँ
ये ना बहुत घने घने पेड़ है, इसके बीच में ना वो दिख भी नहीं रहा। चल चला जाऊंगी। चल को बिल्कुल यहाँ पे घने घने पेड़ है, इसके बीच ही रह रहा है वो कुछ दिन से। है ये 10-8 पेड़ इसमें ही। अभी हम नाकामयाब हो गए, बंदर का एक नंबर, हमारे 0। अभी मैच कंटिन्यू रहेगा। ये मैच एक हफ्ते से चला है, बंदर ही जीत रहा है यार। उसको एक दिन तो भगा के काफी दूर ले गए थे, पर वो वापस आ गया वहां से भी। जैसे ही दिन को सारे घर वाले अपने अपने घरों में जाएंगे, वो इस जंगल से इधर गांव में घूमेगा, जिस जिसकी थोड़े थोड़े सब्जियां लगाई है उनको खाने चला जाएगा। मटर खा रहा वहाँ। ऐसे बंदर वगैरह फैमिली के साथ नहीं रहते, अकेले कैसे रह रहा हो? वो अपने नहीं, वो सिंगल है हमारी तरह। उसको फैमिली से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं। छड़ा बंदा वो, पता वो मेल ही है क्या, तो वो बंदर ही होता है इतने दिन तक। ऐसे बंदरिया भी हो सकती है, उसको धोखा मिल गया होगा ना प्यार में, फिर वो अकेले घूम रहा है या घूम रही है। इसे आ गया वो बंदर, देखो नीचे, ओ आगे को चला गया। तो अभी कर रही हूँ मैं लंच। लंच में है आलू मटर की सब्जी और दो चपातियाँ खा रही हूँ मैं आजकल। तो अभी मैं लंच करके भी आ गई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ, तो मैं सोच रही अपने स्टडी टेबल को अनबॉक्स कर देती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। पर ये ना बच्चों वाला था, मतलब वहाँ पे बच्चों वाले ही थे और इसमें बारबी बुरबी बनी है। वैसे मुझे तो स्टडी टेबल से मतलब था, तो मुझे यही लेना पड़ा। इसमें है मेरा स्टडी टेबल, इस चीज में है मेरा स्टडी टेबल। इतना बड़ी पेटी मिली थी मुझे, हैवी था उठाने के लिए भी। ये देखो बिल्कुल गर्लिश है, मतलब छोटे बच्चों को कहते हैं बारबी वाले शॉप, वैसे वाला है। वह ऐसे ही टाइप के थे कि मतलब या तो उसमें छोटा भीम बना था या कुछ ऐसे कार्टून से, और सारे पुराना वो था उनके पास, ये पुराना स्टॉक था। पर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, एल्यूमिनियम की क्वालिटी है, अच्छा है स्टडी टेबल तो सख्त है। देखो तो देखना, यहाँ से बैक से ऐसा है, बैक साइड से ऐसा है, क्योंकि शिमला में जो स्टडी टेबल है वो तो टूट भी गया। नहीं यार ये तो ये छोटा है, ऐसे जैसे बड़ा थोड़ा खुला था, इतना तो इतना आ सकता है। छोटे बच्चों वाला आ गया यार, ये तो बच्चों वाला स्टडी टेबल आ गया। अगर मेरे को इसको इस इधर रखना होगा तो नहीं रख पाऊंगी, रख तो सकती हूँ, फिर वो जबरदस्ती वाले काम है। ठंगी नहीं आ रही इसमें फिट, वो इतना चौड़ा तो नहीं था, लेकिन यार मम्मी ये छोटे बच्चों का है। ये है मेरा स्टडी टेबल, ये भी कर दिया अनबॉक्स। दुकानदार का होगा मम्मी मेरे को पूछ रहे तू कंबल डाल के और रजाई डाल के दोनों डाल के सोती है? मैंने बोला हाँ मम्मी। बोलते हाँ बहुत ठंड है ना आज, तो ठंड नहीं हो गई थी अभी एक दो दिन में, एक आध को तो एक ही कंबल में सोई थी, सुबह मेरे को ठंड लगी। फिर इसको अभी यहाँ रखेंगे। चलो भाई, ये मेरा बैलून, कुछ ऐसा स्टडी टेबल यार, बिल्कुल बच्चों वाला है, छोटे बच्चों वाला है। ये देखो काफी चौड़ा है, पर इतना चौड़ा मेरा शिमला वाला नहीं था, लेकिन नीचे से छोटा है, इसमें बैठ नहीं पाऊंगी मैं। यहाँ पे मेरे गेस्ट आए हैं मम्मी। हेलो मम्मी, चाय पियेंगे? चाय तो हमने छोड़ी हुई है इसके लिए, सॉरी चाय नहीं। और मैं रेस्ट करूँगी अब थोड़ी देर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी हमारी ओखली। शाम के बज रहे हैं 6:15 और अभी मैं जा रही हूँ दूसरे घर, पर उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, वो है हमारी ओखली। ये देखो हमारे घर में ओखली भी है, ऐसी चीज़ आपको किसी के घर में भी देखने को नहीं मिलेगी, पर हमारे घर में है। ये देखो ओखली, और इसमें चने कूटे थे बड़ी मम्मी ने, और चने भी हो गए अब। पिटवा बड़े मम्मी ने बाल खोले हैं, बोले तेल लगा ले मेरे सिर में, तो ऐसे कैसे लगाऊंगी? चेयर लानी पड़ेगी, चेयर लानी पड़ेगी, चेयर। इतने सारे तोते आ गए और सनसेट होने वाले। ये कितने सारे तोते जा रहे हैं, तो बड़ी मम्मी के बालों में तेल लगाते, उसके बाद मिलते हैं। ओके, तो अभी हो रहा है सामने सनसेट, ये देखो कितना मस्त सनसेट हो रहा है। और मैं जा रही हूँ खेत नहीं जा रही हूँ मैं, एक्चुअली दूसरे घर जा रही हूँ मैं, वहाँ से हमने कुछ सामान लेके आना है, थोड़ा मम्मी लेके आएंगे, थोड़ा मैं लेके आऊँगी। और आज इवनिंग में मैं तोते की चौकीदारी करने भी नहीं गई, मम्मी चले गए थे, तो उन्होंने बोला तू रहने दे आज, मैं चल जाऊँगी। तो
वो चले गए, अभी वो भी वहाँ से आएंगे और मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो नए घर से कुछ सामान लेके आना है। और इवनिंग में ये वाला व्यू मस्त है। घर और अब इसमें लग रहे ऊपर शीशे। चीयर्स लवली, पी रही है पानी। तो जी हम पहुंच गए लवली के घर में। क्या बन रहा है लवली के घर में? पानी पी रही है। ये क्या है, प्याज है? ये क्यों निकाली सब्जी के लिए? नाइस। ओ ये देखो प्याज के पत्ते, बढ़िया सब्जी बनती है इसकी। लहसुन के पत्ते जब बड़े हो जाते हैं ना, काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो फिर उनको ऐसे फोल्ड करके रखते हैं जैसे यहाँ पे लवली ने किए हैं। देखो फोल्ड करके रखे हुए हैं सारे, फिर इसके नीचे अंडरग्राउंड लहसुन तैयार हो रही है। ये प्याज ले भी तो लहसुन है भाई, इसको क्यों नहीं कहते तो? ये प्याज है, ये वाली प्याज है हा? तो ये तो है, इसको क्यों नहीं किया फोल्ड? अच्छा अरे लवली के तो बैंगन भी लग गए यार। ये एक बैंगन का फूल, ये एक बैंगन का फूल है, सब्जी तैयार। ये देखो बैंगन भी लग गए हैं। अरे वाह लवली, देखो बैंगन लगे हैं, बैंगन देखो इतने बड़े बड़े बैंगन। दो बैंगन खाए? दो बैंगन सिर्फ की दो सब्जियां? दो बैंगन के साथ बनाए तूने? ये देखो बैंगन मिक्स वेज के साथ, बैंगन लग गए यार। और ये आएगी तू मैडम, दिख रही है वहाँ एक औरत, ओ धाटू वाली है, खमलू है, आज तो इसने धाटू पहना है। वाह भाई ये बात, तेरे को किसी ने कमेंट में हैरी पॉटर लिखा था कि तू तो हैरी पॉटर की तरह लगती है बोल। इस अनार में कितने सारे फूल लगे हैं, बहुत ज़्यादा अनार मिलेंगे इस बार हमें खाने को। वाह नम नम नम। नहीं मेरी मम्मी आए आज, तूने बहुत सारे शू नीचे को बगाए? Yes. मेरे खेत की तरफ? Yes. शर्म नहीं आई तेरे को? बिल्कुल भी नहीं आई। हाँ तो बेशरम लोगों को, हमारे को वो बंदर नहीं मिला यार, वो वापस आ गया शायद, वापस चला जाएगा उतने में। तो ऐसी ऐसी बात है, गीतू भी आ गया पर मेरी मम्मी ही नहीं आई अभी तक। क्यों नहीं आएंगे यार, आ जाते वो अभी, रुक जा थोड़ी देर में। अभी हम कर रहे हैं कुछ रील्स शूट, क्योंकि मेरे पास वीडियोग्राफर गीतू है, तभी मैं ऐसे काम करती हूँ। चल चल पीछे जा, कहाँ निकल रही है, रुक जाओ। ये 30 किलो का कट्टा जो कि इसमें है, चावल का कट्टा उठाया मैंने, मैंने ही उठाया है, मम्मी ने नहीं उठाया। और चावल खाने तो कट्टे तो उठाने पड़ेंगे। देखो लवली यार मेरा 30 किलो का कट्टा तो दिखा दे, थोड़ा शो ऑफ कर लेती हूँ। तो ये हैगा मेरा 4 किलो का नहीं, 30 किलो का कट्टा, 25-30 किलो का होगा ना मम्मी, 25-30 तो गई, 30 किलो का बोला उन्होंने पापा ने, नहीं बासमती को होता है 25। छोड़ भाई क्या कर रही है, घर से देख दिखा के बता दूंगी। वेट लिफ्टिंग में काफी अच्छी हूँ मैं। एक बार मैंने, याद है मेरे को, मैंने 50 किलो की बोरी लाई थी गेहूँ की, पीपल के पास से यहाँ तक, पर वो सबसे हैवी चीज़ उठाई थी मैंने शायद लाइफ में। उस दिन मेरे घुटने नहीं चल रहे थे सही, ऐसे लड़खड़ा लड़खड़ा आके चली थी। आज तो 30 किलो का इकट्ठा था, 30 किलो चेक किया मैंने, अभी 30 किलो है। ये अब स्ट्रांग ऑल, देखो डोले शोले। तो अभी डिनर हो गया है, मैं आ गई अपने रूम और व्लॉग करती हूँ एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो को लाइक जरूर करो, और शेयर भी जरूर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। और देगी गालियाँ, ये हम दोनों को गालियाँ दे रही थी और इसका पेट खराब हो गया। तेरे बनाने चले भाई, मेरे को ब्लॉग बनाने नहीं दे रहे। मैं कमेंट मेरे को तो वही।